अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं हमाद। तो आज हम लोग अनबॉक्स करने वाले हैं एक ट्राईपॉड, जिस वजह से दराज से हमने ट्राईपॉड अपना मंगवाया है और जो एग्जैक्ट अमाउंट वगैरह वो आगे आपको मैं बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग यहां पर अनबॉक्स करने वाले हैं अपना ट्राईपॉड। तो जिस तरह से हमें यहाँ पर हमारा ट्राईपॉड दिखाया गया है, तो हमारे पास हमारी काटने वाली जो पिछली बार हम लोग भूल चुके थे कटर लेकर आ चुके हैं। तो ओवरऑल अगर पैकिंग देखें तो काफ़ी सॉलिड पैकिंग इन्होंने करके भेजा हुआ है, लेकिन साथ में एक चीज़ इंक्लूड मैं करना चाहूँगा, यहाँ पर ये लेपर्ड के थ्रू आया है और दराज खुद नहीं ये चीज़ दे रहा, आई डोंट नो वाई। बरल जो भी है, देखते हैं इसको अनबॉक्स करते हैं। अभी यहाँ से इसको सिंपल, तो ये हमारा रहा बॉक्स और इसके ऊपर भी टेपिंग हुई है, तो इसको भी हम जल्दी से हटा लेते हैं और ओपन करते ही हमारे पास हमारा ट्राईपॉड आ गया। बेसिकली यहाँ पे सुल्तान का हमें जो बॉक्स है वो दिया गया है। तो बहरहाल हमें अपनी प्रोडक्ट देखनी है यहाँ पे। तो हमारी प्रोडक्ट की अगर सामने देखें तो, क्योंकि हमने ये अपना ट्राईपॉड है वो प्रोफेशनल ट्राईपॉड मंगवाया है, आइकन मतलब आइकन एक कंपनी है, कह सकते हैं कि प्रोफेशनल है, यहाँ पे हमें ट्राईपॉड देती है पाकिस्तान में, और हो सकता है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी देती है, लेकिन पाकिस्तान में हमें यहाँ पर अच्छा जो ट्राईपॉड है प्रोवाइड करती है। तो इसका मॉडल यहाँ पे हमें दिया गया है साथ में कि इसका मॉडल क्या है, प्रोफेशनल ट्राईपॉड i7863। तो इसका मॉडल नंबर है। तो बैक एंड साइड पे हमें सेम एग्जैक्ट वही चीज़ दी जाती है, जबकि साइड पे हम देखें तो हमें यहाँ पे ट्राईपॉड कैसे चलाना है, इसकी क्या फीचर्स वगैरह वो सब दिए गए हैं। तो इसको हम अब यहाँ से ओपन करते हैं और देखते हैं इसमें हमें क्या मिलता है। अगर पैकिंग की बात करें तो पैकिंग में हमें काफ़ी सॉलिड यहाँ पे दराज वालों ने जो है वो दिया है। पहले दूसरा पैक किया, उसके ऊपर एक और पैकिंग और फिर थर्ड वन हमारे पास पैकिंग आती है। तो इसको भी हम जल्दी से यहाँ से ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारी बबल रैप है जिसको ज़्यादातर हम यहाँ पर बजाते हैं, लेकिन ये ऑलरेडी बजी हुई है तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरह से हमें हमारा बैग गिवन दिया जाता है, जो कि हम डायरेक्टली यहाँ से होल्ड अप कर सकते हैं लाइक दैट, या फिर पीछे हम लगा सकते हैं, इसके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है यार। तो अब यहाँ से हम इस ट्राईपॉड को ओपन करते हैं और देखते हैं हमारा ट्राईपॉड। तो ये हमारा ट्राईपॉड रहा और काफ़ी हैवी ट्राईपॉड है, क्योंकि यार प्रोफेशनल कैमरा DSLR जो होते हैं वो इस पे रखे जाते हैं, तो दैट्स द रीज़न ये काफ़ी हैवी है। और बाय द वे सेटअप आपको कुछ चेंजेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, तो आगे से कुछ ना कुछ हम इसी तरह की चीज़ें लाते रहेंगे, तो उसके बारे में आपको बताऊंगा आगे। तो ये हमें कुछ यूज़र मैनुअल दिया जाता है, और यूज़र मैनुअल की बात करें तो कोई पढ़ता नहीं है, जस्ट आता है और ऐसे फेंक देते हैं हम। तो दूसरा, क्योंकि हमें पता है कि ट्राईपॉड है, इसको कैसे ऑपरेट करना है, आजकल हर दूसरा बंदा टिकटॉक हो, फ्लैश लाइट हो, मतलब इस तरह की हर चीज़ जो दूसरा बंदा है वो इसको चला रहा है यार, ज़्यादा इसमें हमें मतलब कि समझने वाली कोई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें ट्राईपॉड के साथ ये जो मोबाइल होल्डर है इसके साथ गिफ्ट ही दी जाता है, तो इसको हम साइड पर रखते हैं। तो ट्राईपॉड की अगर क्वालिटी की बात करें, काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे, थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा आई नो के, लेकिन फिर भी कोशिश करूँ कि यहाँ से आपको दिखाई दे। तो ये हमारा जो हैंड होल्ड है जिससे हम अपने ट्राईपॉड को, सॉरी कैमरा को या ट्राईपॉड को, जिस तरह से कैमरा यहाँ पे रख के इसको नीचे करना या ऊपर करना है, वो हैंड होल्डर जिसको हम कहते हैं आई थिंक सो। तो ये हमारा यहाँ पे आ जाता है, इसको सिंपल यहाँ से ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। दूसरा, अगर इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो, क्योंकि आइकन पाकिस्तान का यहाँ पे आई थिंक सो पाकिस्तान का हो सकता है या फिर इंटरनेशनली हो सकता है, ज़्यादातर मोस्टली जो लोग हैं या मोस्टली वीडियोग्राफर या जो भी प्रेफर करते हैं वो आइकन ही प्रेफर करते हैं। और भी यहाँ पे काफ़ी ट्राईपॉड है, लेकिन हमने भी यहाँ पर आइकन ही चूज़ किया है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे जो इसकी लेग्स हैं, टांगे जिसकी कहेंगे, इसकी काफ़ी अच्छी और मेटेलिक टांगे हैं जो कि इतनी जल्दी आपको धोखा नहीं देंगी। और साथ में हमें यहाँ पर ये होल्डर दिखाई देता है जो कि पता नहीं किस चीज़ के लिए होता है। ओवरऑल यहाँ से हम इसको सिंपली यहाँ पर यहाँ से इसको, मतलब कि यार आपको वहाँ पर सही दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस से अगर ये चीज़ बताऊँ, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत से ट्राईपॉड और इस तरह की चीज़ें अनबॉक्स की हैं और यूज़ भी किए हैं, अभी भी यूज़ कर रहा हूँ, तो बिल्ड क्वालिटी अगर बात करूँ यार, काफ़ी सॉलिड बिल्ड क्वालिटी है, क्योंकि हमें काफी ज्यादा इसमें ऑप्शन दिए जाते हैं कि आप हर तरह से अपने इस ट्राईपॉड को जो है वो ऑन कर सकते हो, जिस तरह से मर्जी आप चेंजिंग कर लो, यहां से इसको चेंज हटा लो, ये चीज आपकी यहां पर आती है तो आप इसको हटा लो, मतलब काफ़ी ज़्यादा आपको यहाँ पर चीज़ें दी जाती हैं, आप बिल्ड क्वालिटी कर सकते हो, मतलब कि अपनी खुद की प्रोडक्ट, मतलब जो ट्राईपॉड है आप इसको खुद सेट कर सकते हो कस्टम वे है। तो जिस तरह से हमारा ट्राईपॉड के नीचे लग जाता है, सिंपल लॉक है
हटाओ इसको, यहाँ पर लगाते हैं इसे। तो लगाने के बाद सिंपल आप इसको लॉक कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं हम प्राइस टैग की, और प्राइस टैग यार दराज पे, क्योंकि हाई प्राइसिंग में मौजूद है और मैंने मॉल से उठाया, तो इसकी प्राइसिंग हमें कितने की पड़ी यहाँ पे, हमें विद डिलीवरी जो है यहाँ पर ये प्रोडक्ट पड़ा 1759 रुपीस का। एग्जैक्ट अमाउंट मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा, आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी। तो अगर डिलीवरी की अगर बात करें तो डिलीवरी दराज की काफी ज्यादा होती जा रही है, क्योंकि पेट्रोल काफी महंगा हो गया, जिसकी वजह से दराज की डिलीवरी बढ़ती जा रही है। अगर स्टैंडर्ड डिलीवरी की बात करें 99 से लेके 149 अबव जाती जाती, जैसे जैसे आपका पैकेज बड़ा होता है, इसकी डिलीवरी भी ऑलमोस्ट 197 टू 200 के आसपास है। तो दराज वाले 200 पे नहीं लेके जाएंगे, आपको 197 देंगे, और जो 150 वाली होगी 149 देंगे, और जो 100 होगी वो 99 देंगे। इसके पीछे भी पूरा इनका एक माइंडसेट है यार। तो ओवरऑल ये हमारा प्रोडक्ट था आज का, काफी हॉट प्रोडक्ट है, क्योंकि यार मोस्टली यही यूज किया जाता है ट्राइपॉड, हर खासकर पाकिस्तान में ये प्रोडक्ट काफी कॉमन है, चाइना की कंपनी है, और बिल्ड क्वालिटी अगर बात करें इस प्राइस रेंज में ये प्रोडक्ट, मतलब हर बंदा, दूसरा बंदा जो है पाकिस्तान में इस प्रोडक्ट को प्रेफर करता है, क्योंकि एक तो प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली भी इसको कहा जा सकता है, जिसकी वजह से प्रोफेशनल लोग भी मोस्टली लोग इसको यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर और कंपनीज़ के प्रोडक्ट आ जाते हैं ये, तो और कंपनीज़ के ट्राईपॉड आ जाते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज़ के डिफरेंट प्राइस टैग होते हैं, तो अबव भी चले जाते हैं कभी। तो दैट्स द रीज़न दिस ट्राईपॉड इज़ फ्रेंडली, मतलब बजट फ्रेंडली है। तो होप सो बहुत सी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, और बैग भी काफ़ी इनका अच्छा है यार। तो होप सो आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो अभी हम इजाज़त चाहते हैं आपसे, तो खुश रहिए, आबाद रहिए, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।